एसबीएस खून केयर वाला पेश करते हैं डेली हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि हरियाणा और डेली हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दक्ष इंटरनेशनल स्कूल चक फरीदपुर और करनी टेंट हाउस केरवाला। केरवाला में सक्षम युवा टीम का जल संरक्षण अभियान, लोगों को पानी बचाने के दिए टिप्स। किसान सभा ने दिया लघु सचिवालय में धरना, नहरी पानी की कटौती को वापस लेने की मांग। अध्यापक पूरे किए जाने की मांग को लेकर छात्राओं ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र, लिखा रोज मन की सुनाते हो आज हमारे भी सुनो बात। उप तहसील गोरीवाला में सुविधाओं का अभाव, समय पर नहीं मिलते नायब तहसीलदार। अब हलचल विस्तार से। गांव खाजाखेड़ा के वार्ड नंबर 9 में घरों से आने वाले गंदे पानी के लिए बनाए गए नाले की हालत इस समय बेहद खस्ता हो चुकी है और समय पर देखभाल नहीं होने से नाला कई जगह से टूट भी चुका है तथा नाले में भरी पड़ी गंदगी के कारण इस नाले से उठती बदबू लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को पूरा करने के लिए भले ही प्रशासन हाथ पांव मार रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि गांव खाजाखेड़ा के वार्ड नंबर 9 में घरों से आने वाले गंदे पानी के लिए बनाए गए नाले की हालत इस समय बेहद खस्ता हो चुकी है और समय पर देखभाल नहीं होने से नाला कई जगह से टूट भी चुका है तथा नाले में भरी पड़ी गंदगी के कारण इस नाले से उठती बदबू लोगों को परेशान कर रही है। वार्ड वासियों ने बताया कि स्वच्छता अभियान के शुरुआती दिनों में तो ग्राम पंचायत ने सफाई अभियान छेड़ा था जिसमें नालों की सफाई को भी तवज्जो दी गई थी, परंतु आलम अब यह बन चुका है कि इस सफाई अभियान की तरफ किसी के द्वारा कोई ध्यान नहीं देने के चलते नाले की सफाई का काम अब लटकता दिखाई देने लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम में उन्हें गंदे नाले में भरी पड़ी गंदगी से मक्खी मच्छर काटते हैं और बदबू से तो उनका बुरा हाल है। इसके अलावा नाले के ऊपर स्लैब भी नहीं डाली गई है जिसके कारण आए दिन उनके छोटे बच्चे इस नाले में गिरकर घायल हो जाते हैं और कई बार तो दुपहिया वाहन चालक भी यहां गिर चुके हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत व प्रशासन से नाले के समय पर सफाई करने की मांग की ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। के हरियाणा के लिए हेमराज बिरट की रिपोर्ट। रीता है, 8 नंबर वार्ड की मेंबर हूँ, ठीक है। और मर गई वो जो है नी नालों, इन सफाई होनी चाहिए सारी, जितना घर आगे ये स्टेप है नी अलग अलग सारा बनना चाहिए, गली को भी बनना चाहिए। ये मच्छर सारों ज्यादा पैदा हुआ है। और कितना साल हो गया नाला नहीं है? इस साल 5-6 साल तो ही गया होगा। सफाई तो पूछो ना, वो कर जे तो के वो गंदी निबारा भी कौन फेंकेंगे। सरपंच को दी मांग करी है फिर थेंगे बारे में, सरपंच कह दे हो जे वो बस इतना कह के टाल दे, बाद में कोई आवे को नहीं। तो अभी के मांग करो थे सरकार के अंदर पाइप लगवा गया, ऊपर बंद करवा दिया, नालो साफ करे चाहे ना करे वो बांगी समस्या, ठीक है। अंदर आप ही जाबो करा हुआ वो करा वो, और ऊपर ना तो बच्चा गिरा, बच्चा है तुम्हारा रोजगी है, मैं एक आधो गिरी तो क्यों गिरी जावे, सारा मुश्किल हो यही बात है, सब कुछ ज्यादा बड़ी है या समस्या ही, ठीक है। और ये स्टेप है नहीं गली का हरेक का, वे सारा सही दोबारा बनवा दो। और नालियाँ हैं ये घर आस पास हमारे, वे भी साफ होनी चाहिए, छोटी नाली होनी चाहिए। परेशानी देख लिया, फूटे टूटे पड़े आज 15 साल हो गए, सुवारी हुई है तो
और देख लियो सना टाबर पर पड़ गया, बुरा हाल हो रहा है, तो सना टाबर मरने तैयार हो रहे हैं खड़े में। कदे तो साफ करो, सफाई वाला को दी आवे कदे को नहीं आवे सफाई वाला, 15 बार स्प्रे करके रखा कर कोरी करके जाऊं लाग रहा। अच्छा सरपंच ने या कदी की है कि सरपंच ने कई और जगह सरपंच का ले भी आदमी ने वो भी कोरी करके जावे सफाई। अच्छा तो के अभी के मांग करो थे सर? ये मांग करा हमारे यहाँ सफाई हो जानी चाहिए, बाना का टूट फूट सही हो जानी चाहिए और छोटो खड़ो होना चाहिए। समस्या है जी, 12-13 साल हो गए खाड़न है तो बदबू बीमारियां पैदा हुए, हम मच्छर गांव मच्छर घर है वो मतलब है, तो यूं बीमारी फैला रहा है, गरीब मोहल्लो है। तो सफाई वाला कोई आवे को नहीं, कर्मचारी कोई अठे रखे है वो आवे महीने आवा मान लियो। अच्छा वो काट गया गंदगी बारह गिर जाए मुड़ गए बिना, मतलब भी वो कभी चका देंगा भी पंचायत वाला चकावागा, पंचायत वाले के बारे में कोई मतलब अच्छी ध्यान देने को ला रहा। तो एक दिन पंचायत ने के बारे में? हाँ बिल्कुल कही है, मैं आप खुद कही सरपंच ने भी समस्या हल करो का, कोई नहीं करावा जरूर करावा के। तो फिर अभी सुनवाई को नहीं, अभी कोई सुनवाई को नहीं है। मांग करो लेवल सही करा के मान लियो, इन ऊंचो करे जाए छोटो करे जाए ताकि मतलब भी गंदगी रहे ना, मतलब है हो गया कम कम 20 साल ना तो कोई मरम्मत हुई है ना कोई सफाई हुई है, मच्छर मक्खी दुनिया जान का हो रहा है, गंदगी काट है कोई परेशानी सारी है, इतनी ज्यादा बदबू मार रहा है, मलेरिया फैलने लग रहा है, मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां फैल, बीमारी दुनिया जान गई है, बांस आए कन्ने कोई खड़े हो जाए। तो प्रशासन मांग करा भी सफाई होनी चाहिए 15 दिन 10 दिन, अब तो सफाई होया करे 3 महीना वो गंद है जो बाहर ही रह जाए, छोटो कर दिया वो वापसी अंदर चल जाए, छोटो कर दिया। गांव केरवाला के सरकारी स्कूल में जल स्वच्छता सहायक संगठन की ओर से ग्रामीण जल संरक्षण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सक्षम युवा टीम के सदस्यों ने जल संरक्षण अभियान के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। गांव खेरवाला के सरकारी स्कूल में जल स्वच्छता सहायक संगठन की ओर से ग्रामीण जल संरक्षण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सक्षम युवा टीम के सदस्य ने जल संरक्षण अभियान के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। खंड संस्थान संयोजक डॉक्टर बलदेव राज ने बताया कि इस अभियान के जरिए डोर टू डोर जाकर टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा कि लोगों को घरों में जो पानी कनेक्शन है उसकी स्थिति क्या है, जांच में भी की स्थिति, कनेक्शन साफ सफाई, स्टैंड पोस्ट की स्थिति, टैप की स्थिति, नल के पानी का उपयोग, दुरुपयोग की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले तो टीम द्वारा घर घर जाकर जल संरक्षण व अन्य जल संबंधों की संबंधी होने वाली समस्याओं के बारे में बताया जाएगा, इसके अलावा ग्राम स्तर पर पानी के कनेक्शन को वैध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पानी के कनेक्शन मंजूर नहीं है उनकी फीस लेकर मौके पर ही उन्हें मंजूर किया जाएगा, यदि टैप नहीं लगा रखी या कनेक्शन साफ सुथरा नहीं तो या पानी के दुरुपयोग सब्जी या खेती वगैरह में उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है तो उनका भी समाधान किया जाएगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों की ओर से जल बचाओ अभियान के तहत गांव में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को हरी झंडी दिखाकर केरवाला की सरपंच सपना सहित अन्य ग्राम पंचायत के सदस्यों ने रवाना किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने ग्रामीणों को जल बचाने के प्रति रैली के माध्यम से जागरूक किया। इस मौके पर सरपंच, पंच, स्कूल स्टाफ, साक्षर महिला समूह के सदस्य, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, महिला मंडल व स्वच्छता दूत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रानिया सिंह की हरियाणा के लिए हेमराज बेट की रिपोर्ट। स्वच्छता सहायक संगठन ब्लॉक रानिया से हूँ और हरियाणा सरकार द्वारा मई महीने से लेकर 31 जुलाई 2017 तक पूरे हरियाणा के अंदर ग्रामीण जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारी जो टीम है ये गांव केरवाला के अंदर आई हुई है, जिसमें सक्षम युवा के सदस्य हैं और हमारे दूसरे साथी हैं, पंचायत द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग जो हमारी टीम है वो घर घर जाएगी, डोर टू डोर जाके नौ करेगी उनके दरवाजे और सबसे पहले उनकी जो टूटी हुआ कनेक्शन है पानी वाला उसकी जाँच करेगी, उसके ऊपर टैप लगा है नहीं लगा है, वो कनेक्शन असुरक्षित है या नहीं है, उसके बाद वो कनेक्शन जो अवैध है या वैध है, ये सारी चीज़ें की जानकारी और लोगों को घर वालों को जो भी परिवार में मिलेगा सदस्य उसको पानी बचाने के लिए मोटिवेट करेगी और साथ ही साथ स्वच्छता का संदेश देगी कि हमारे लिए जो साफ सफाई कितनी ज़रूरी है। फिर आगे हमारे इस गांव के अंदर हमारा जो जन स्वास्थ्य विभाग है उसकी टीम जो कनेक्शन अवैध हैं उनको लीगल करने के लिए एक हमारे कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों के कनेक्शन जो है डोर पे डोर जाके वो मंजूर किए जा सकें। इसके अलावा जो हमारे जल स्वच्छता सहायक संगठन और जन स्वास्थ्य विभाग है
उसकी टीम द्वारा गांव के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ताकि जल ज़्यादा से ज़्यादा और अति शीघ्र लोग बचाएं, इसको गर्मी का समय है। स्कूल के अंदर एक स्कूल कैबिनेट की गई है, उसके अलावा गांव की समूह मीटिंग की गई है और ग्राम सभा के अंदर भी बताया जाएगा कि पानी कितना ज़रूरी है। और स्कूल के अंदर इसके अलावा स्कूल कैबिनेट के अलावा गांव के अंदर स्कूल रैली का भी आयोजन किया गया है, जो बच्चों द्वारा गांव में जाकर गलियों में जाकर के एक पानी बचाने का संदेश दिया गया है और स्वस्थ रखने का संदेश दिया गया है। मेरा नाम नैनिका और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आज जो हमारे स्कूल में जो टीम आई, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, जल बचाना चाहिए। हम भी उस टीम का सर पूरी तरह से, पूरे स्कूल और मैं पूरी तरह से उनका सहयोग करेंगे और जल बचाएंगे। सक्षम युवा टीम से जुड़ी हूँ। सर, हमने गांव गिरवाड़ा में जो कि कई दिनों से हम सर्वे कर रहे हैं पानी के लिए, लोगों को मोटिवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी को व्यर्थ ना बहाएं और सही तरीके से पानी का जो है ख्याल रखें। मेरा नाम कंचन है एंड मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम कैरवाला है और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और आज हमारे स्कूल में हमारे अध्यापकों ने हमें बताया स्वच्छता पे और जल ही जीवन है पे। भी हमारे यहाँ पर जल का जो है बहुत महत्व है और जल जो है एक बहुमूल्य वस्तु है, इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो हम हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी पे स्वच्छता अभियान पे अगर हमारे आसपास भी सफाई नहीं होगी तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और हमारे आसपास जो है अनेक बीमारियां फैल सकती है। इसलिए बस मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घरों में साफ सफाई रखें और जल को बचाएं। थैंक यू। मेरा नाम रानी, विलेज नाईवाला, ब्लॉक रानिया से हूँ और हम लोग युवा टीम से हैं और गांव केरवाला में हम लोग डोर टू डोर घर घर जा कर के पानी जाने के लिए बोल रहे हैं और साथ में कनेक्शन भी देख रहे हैं और जिनके अवैध कनेक्शन है उन्हें मंजूर करवाने के लिए बोल रहे हैं। और आज हमने स्कूल के अंदर रैली की जिससे बच्चों को समझाया कि पानी को बचाना चाहिए और गांव में हमने रैली निकाली। आज हमारे अध्यापकों ने हमें यह जानकारी दी है कि आप सभी अपने घरों में साफ सफाई रखें और अपने हाथ साफ साबुन से धोएं। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब सभी बच्चे और अपने बड़े बुजुर्ग अपने घरों में साफ सफाई रखें। एक जो गांव में रैली निकाली है, इससे लोगों को क्या संदेश दिया आपने? पानी बचाने के लिए जल बचाना। हमने गांव में रैली निकाली है, उससे लोगों को संदेश मिलता है कि वो अपने घरों में खूब सफाई रखें और अपने आर बार की सड़कों पर भी सफाई रखें। पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग देंगे। हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने प्रतिज्ञा की है कि हम जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे और जल की बचत करेंगे। हमारे घरों में जो टूंटियाँ लगी हैं उन पे टेप लगाएंगे और घर में और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ी को पानी की बहुत जरूरत होगी। नहरी पानी की कटौती वापस लेने और सभी नहरों में लगातार 15 दिन तक पानी देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने नहरी विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान सभा के जिला अध्यक्ष कामरेड सुरजीत सिंह ने की। इस अवसर पर किसान नक्षत्र सिंह व पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि नहरी पानी की कटौती से खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है। किसान नेता ने कहा कि इस कटौती की वजह से नरमा कपास की बिजाई गड़बड़ा गई। ट्यूबवेलों के पानी की गुणवत्ता सही नहीं होने की वजह से नरमा कपास की उगाव 100% नहीं हो रहा है। एक से अधिक बार बिजाई करने से किसानों का आर्थिक खर्च और मेहनत बढ़ रही है। वहीं किसानों ने अधीक्षक अभियंता व प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर नहरी पानी में की गई कटौती वापस लेने, सभी नहरों में लगातार 15 दिन पानी देने, पानी चोरी पर रोक लगाने, सभी नहरों में जितना पानी आवंटित किया जाता है उतना देना सुनिश्चित करने, ओटो झील की खुदाई करने, अन्य बरसाती नहरें निकालने, सभी टेलों तक पानी पहुंचाने, पुलों की सेफ्टी वाल की मरम्मत करने की मांग की है। वहीं सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता आर के ने बताया कि किसानों ने आज अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिससे उन्होंने पानी की मांग की व पानी चोरी रोकने की मांग रखी है। अधीक्षक अभियंता ने कहा कि बाकड़ा डैम में पानी कम होने के कारण नहरों में पानी नहीं आ रहा,
जैसे ही बागड़ा डैम में पानी आ जाता है तो उच्च अधिकारियों से बात करके 15 दिन लगातार पानी दिया जाएगा। सिरसा से विजय जसूजा की रिपोर्ट। मेरे गांव के पास से दो नहरें गुजरती हैं, एक मैंबड़खेड़ा और एक गुड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी। उसके ऊपर शरेआम चोरी होती है दिन दहाड़े। हमने कई बार महकमे वालों को बोला भी ये चोरी होती है, आप चोरी रोको। आज भी हमने एक्सिन साहब से कहा है, महकमे वाले हमारी बात नहीं सुनते। वैसे हमारा उसमें निजी नुकसान नहीं है कोई, हमें तो ये है कि ये जो आगे टेल पर लोग रहते हैं वो भी तो इंसान है, उनको भी पानी चाहिए। ये चोरी चोरी करके लोग जहाँ हमारे गांव में तो चोरी करके लोग आपकी फसलें आधा बढ़ा रहे हैं और वो लोग जो वो त्याग बैठे हैं। हमने बार बार इनको कहा है अभी आप चोरी रोके, हमारी बात सुनी नहीं जा रही। आज आप फिर इनसे रिक्वेस्ट की है भी जो रोटेशन की बात है, जो 15 मिनट चलाने की बात है, वो तो उच्च पत्र की बात है। जो वो तो आप उच्च पत्र की बात है, पीछे से पानी आएगा तो आप बढ़ाएंगे। जो आता है उसको जो लोग चोरी करते हैं उसको तो आप रोक सकते हैं, उसको रोको। तो बहुत बहुत आधोआध का फर्क पड़ गया जी। जितनी पिछली बारी सिंचाई होकर और आधा नर्मा वगैरह भेजता था, अब की बार उससे आधा भेजा है। हम चाहते हैं भी जैसे पहले चल रहा था, 15 दिन चले और 7 दिन बंद रहे। अब ये 7 दिन चलाते हैं और 15 दिन बंद करते हैं, 7 में से भी पूरे 7 दिन नहीं चलता, 5 दिन चलता है, 5 दिन चलता और 17 दिन बंद रहता है। हम चाहते हैं भी 15 दिन चले और 7 दिन बंद रहे। जो ये हमारी मांगे जो मानी नहीं जाएगी तो हम जारी रखेंगे जी। असि जैसे पानी वास्ते आए जी, पानी आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 6 दिन चलती है और 12 एतवार की बिल्कुल भी बारी लगी, कई बारी लगी ना टेरा से पानी पहुंचा। लोग ट्यूबा लाने पिछले सुखे अंदर वो ट्यूब लगी थी, मैं कहने जाके फड़ ली पट ली, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। करन उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करते? हूँ तो जी तो बस इन्होंने बस आश्वासन दिता जी, उस तो बाद पानी बढ़ जूगा जी डैम च, उस तो बाद असं करा, ये कोई आश्वासन नहीं है जी। है किसानों की डिमांड है कि इनके 15 दिन पानी चल 16 दिन पानी चलना चाहिए, जबकि भाखड़ा डैम में पानी की कमी आने की वजह से रोटेशन प्रोग्राम में चेंज किया गया था, जो कि 16 दिन की बजाय 8 दिन पानी नहरों में चलाया जा रहा है। और अब हमारी कोशिश है कि जैसे जैसे डैम में पानी का स्तर बढ़ेगा तो हम वैसे वैसे हायर अथॉरिटी से बात करके और इसको दोबारा से 16 दिन चलाने की कोशिश करेंगे। क्या आश्वासन दिया गया? अभी हमने आश्वासन यही दिया है कि जैसे जैसे डैम में पानी का स्तर बढ़ेगा तो रोटेशन प्रोग्राम उसी हिसाब से बदल जाएगा और 8 दिन के बजाय 16 दिन पानी चला जाएगा। आगे उप तहसील गोरीवाला के माइनरों से शव मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस संदर्भ में बुधवार को एक और शव पुलिस को नहर से मिला है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि मृतक के हाथ पर संदीप नाम खुदा हुआ है, जिसे पोस्टमार्टम के बाद शव गृह में रखवा दिया जाएगा। तहसील गोरीवाला के माइनरों से शव मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और पंजाब के क्षेत्र गोलूवाला हेड से बहकर आने वाले शव पहचान नहीं होने से पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं। जहां हर सप्ताह कोई न कोई शव जरूर मिलता है, हर बार पुलिस भारी मशक्कत झेलनी पड़ती है। उप तहसील गोरीवाला के साथ लगते माइनर कालवाना से हफ्ते में दूसरी बार शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कई दिन पुराने होने के कारण पुलिस के लिए आफत बन जाते हैं। मामले के जांच अधिकारी व चौकी परिवारी सतबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को माइनर में बह रहे शव की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को पहचान व पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के मोर्चरी में 72 घंटे के लिए रखवाया गया है। रिवाला से नरेश वर्मा की रिपोर्ट। मरीज पशु आदि राशि जाती है, हरिपुर के पास अटक जाती है, वो आगे नहीं जाती। तो यहाँ पर पीने के पानी की बहुत समस्या है और साथ में
जो राहगीर है यहाँ पर रंग चटकते हैं, उनको बहुत बदबू सामना करना पड़ता है। एक साथ मंदिर है वहाँ पर पानी पीने का काम ही नहीं, बहुत बदबू आती है। सत्संग होती है हर शनिवार हर मंगलवार को, और जो खेत के पड़ोसी है खेत की ढाणियाँ है, एक साथ भट्टा चलता है, तो हम पानी की बहुत समस्या पीने के लिए पानी नहीं पी सकते, और जो हमें दर्द आने लगता है पानी पीते हैं तो अरे जो आदमी की लाश वगैरह आती है वो यहीं बाहर काट देते हैं, आगे नहीं चलाने देते। और हमने प्रशासन को भी दो तीन बार अलर्ट सूचना कर दी है, पर इसकी कोई हमारी कोई समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। यहाँ से कोरोना चौकीदार जो ठिकेले का है जो करवाण मायने पर देनदारी करता है, इसने हमारी पुलिस को सूचना दी थी कि एक डेड बॉडी नाम पता ना मालूम पुरुष नग्न अवस्था में करवाण मायने में बॉडी के पास रगवा में गए हैं, पीछे से नए में तय कर आई हुई है और अटकी हुई है। इस सूचना पर हमारे पुलिस चौकी गोलीवाला से राजेंद्र सिंह एसआई साथी मुलाजमान के साथ मौका हो गया और पूर्व अमलदार के बैन पर जो है उस गड़बड़ी की कार्रवाई एक सौ चौबीस से अड़तीस में मौका पर की गई है। उसकी पहचान के लिए पुलिस पर 72 घंटे वहाँ हॉस्पिटल में बढ़ते में पाया जाएगा। जो गड़बड़ी के बदन के ऊपर लाल रंग की कमीज है और दैन्य हाथी कलाई पर संदीप डी में नाम बुझा हुआ है। तो इसके प्रयास किए जा रहे हैं शनाख्त के, और हमने जो है ना गोताखोरों से और विश्वासियों के लिए संपर्क किए हैं, आसपास के थानों में भी इसकी जो है सूचना दी है। अगर इसकी शनाख्त हुई तो जो है ना वार्षण के हवाले की जाएगी। शनाख्त ना होने की सूरत में 72 घंटे बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर नगर पालिका से संस्कार करवाया। गांव कालुआना के 3 स्कूलों में अनुबंध के आधार पर रखे गए 7 अतिथि अध्यापकों का वेतन मंजूर ना होने के मामले में अब छात्राओं ने भी अध्यापकों का खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया है। छात्राओं ने प्रधानमंत्री को मन की बात नाम से एक पत्र लिखा जिसमें गांव के स्कूलों में हो रही पूरी दास्तान सुनाई गई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार की नुमाइंदे ही अगर इस अभियान को विफल करने में लगी हो तो सरकार का यह अभियान कैसे सार्थक हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांव कालवाना की 3 स्कूलों में अनुबंध के आधार पर रखे गए 7 अतिथि अध्यापकों की, जो पिछले करीब 1 साल से सैलरी नहीं मिलने से स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। इसके साथ ही 25 गांव की बेटियों की शिक्षा दांव पर लग चुकी है, क्योंकि गांव कालवाना के करीब 600 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हरियाणा के बिल्कुल आखिरी छोर पर बसे राजस्थान से सटे गांव कालवाना में 25 गांव से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। पूरा मामला दरअसल गांव के सरकारी स्कूलों में पंचायत की ओर से रखे अतिथि अध्यापकों का है। करीब 1 साल से राशि नहीं मिलने से उनके समर्थन में स्कूल की छात्राएं उतर आई है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं। भारत देश की सर्वश्रेष्ठ 11 पंचायतों में हरियाणा में सबसे पहले स्थान पर स्वच्छता और निर्मल ग्राम का खिताब जीतने वाला गांव आज शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल स्थान रखता है। अकेले गांव कालवाना में ही करीब 25 गांव की लड़कियां हर रोज पढ़ाई के लिए आती हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट गांव के चंदे से चलने वाली एजुकेशन सेवा की वैन के जरिए पहुंचती है। डबाली का एकमात्र पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल भी इसी गांव में है। गांव कालवाना में पंचायत की तरफ से सन 2009 में अनुबंध के आधार पर मेडिकल और नॉन मेडिकल के अध्यापक रखे हुए थे। चूँकि अभी तक गांव के अरोही मॉडल स्कूल सहित 2 सरकारी स्कूलों में मुख्य 30 पद खाली, जिसकी पूर्ति के लिए पंचायत ने अपने फंड से 7 अध्यापकों को रखा हुआ है, और अध्यापकों के वेतन भी इसी फंड से जारी होता था, लेकिन अब लंबे समय से वेतन पर रोक लगने के कारण अध्यापक इस इंतजार में है कि उन्हें सैलरी कब मिलेगी। लेकिन मुख्य स्टाफ को पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिलने से ये विवाद अब बढ़ गया है, क्योंकि अध्यापक स्कूल छोड़ने को मजबूर है। जैसे ही स्कूल स्टाफ द्वारा सैलरी नहीं मिलने के कारण स्कूल छोड़ने की भनक लगी तो छात्राएं अतिथि अध्यापकों के समर्थन में आ खड़ी हुई। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं, मेरी मोदी जी से यही मांग है कि हमारे स्कूल में अध्यापकों की कमी है। अस्थायी अध्यापक होने के कारण हमारी शिक्षा को प्रभावित किया जा रहा है, और अस्थायी अध्यापक होने के कारण हमारे विद्यालय में 25 विद्यालय से जो लड़कियां आती हैं उन सभी का सुनहरा भविष्य खराब होता जा रहा है। सुनहरे भविष्य के ख्याल रखते हुए अस्थायी अध्यापकों ने बहुत कोशिश की बच्चियों का भविष्य बनाना चाह, पर अब उनकी उनकी उम्मीदें भी छूटती जा रही है। उन्होंने बहुत कोशिश की, उनकी कोशिशों के बावजूद भी ये कुछ सफल नहीं हो पा रहा है, उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। मोदी जी, हम
समाचार पत्रों में पे से तो बहुत प्रकाशन हो रहा है कि बेटियों को पढ़ाने का पुण्य का काम है, पर ये आप पुण्य का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको भी करना चाहिए काम। आपने बहुत जागरूकता फैलाई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बेटियों को तो बचा लेंगे पर उनकी पढ़ाई को कैसे बचा पाएंगे? मोदी जी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बेटियों की बचाने के साथ साथ उनकी पढ़ाई को भी बचाएं। हम यही कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ अस्थायी अध्यापकों को वेतन दें या नए अध्यापक हमारे स्कूल में विद्यालय में उपलब्ध करवाएं। पंचायत के थ्रू दो टीचर्स रखे गए हैं जिनकी सैलरी अभी तक नहीं दी जा रही है। अगर हमारी सरकार टीचर्स नहीं दे सकती तो हमें पंचायत के थ्रू टीचर्स रखे गए हैं उनकी सैलरी भी तो दे सकती है। और हमारे गांव में 25 हमारे स्कूल में 25 गांव की आने वाली बेटियां पढ़ती है। और नरेंद्र मोदी जी इन पर गौर करें तो हमारी 25 गांव की आने वाली बेटियों की पढ़ाई बहुत खराब अव्यवस्थित और खराब हो रही है। इसलिए हमारी नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे टीचर्स को सैलरी दे दें ताकि वह हमारे स्कूल छोड़कर ना जाएं और 25 गांव की आने वाली बेटियों की पढ़ाई ना खराब हो। और हमारी नरेंद्र मोदी जी हम नरेंद्र मोदी जी को एक पोस्ट लेटर लिखकर यही कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में जो टीचर्स रखे गए हैं उनकी सैलरी दी जाए ताकि हमारे स्कूल में जो पंचायत के थ्रू जो टीचर्स रखे हैं उनकी सैलरी ना वो तो सैलरी नहीं दे सकते पर आप हम या तो हमारे लिए टीचर्स रखो या हमारे इन टीचरों को सैलरी दो ताकि इतना ही नहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिख डाला है। छात्राओं का कहना है कि वे हर बार प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को मन और लगन से सुनती हैं। इसलिए उन्हें भी उम्मीद है कि शायद उनके इस पत्र में लिखी मन की बात प्रधानमंत्री सुने। छात्राओं का कहना है कि सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो दे रही है मगर बेटी तो बच सकती है लेकिन पढ़ नहीं सकती, इसलिए उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था सिवाय प्रधानमंत्री तक पत्र लिखने का। मेरा नाम शर्मिला है, मैं 11वीं आर्ट से हूँ और हमने कल 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था जो कि हमारे स्कूल की समस्या के लिए है। और वो है हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी। हमारे स्कूल में 4 इंग्लिश की पोस्टें हैं लेकिन उनमें से 3 खाली है। एक पर पंचायत से नियुक्त किए गए सर हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं लेकिन उन्हें 1 साल से वेतन नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा अगर उन्हें नहीं मिला तो ऐसा होगा कि हमारे स्कूल से वो चले जाएंगे और जिसके कारण हमारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी और हमें मजबूर होकर स्कूल छोड़ना पड़ेगा। हमारे माता पिता हमें स्कूल से हटा लेंगे जिस कारण हमें हमारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और हम माननीय प्रधानमंत्री से यही गुजारिश करेंगे कि हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी पूरी करवाई जाए और जिससे हम हमारी पढ़ाई पूरी कर सकें और जिससे हम हमारी पढ़ाई पूरी कर सकें जिससे हम कुछ हमारे बनने के सपने वो हमारे पूरे हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी मन की बात सुनते हैं लेकिन उन्हें हमारे भी मन की बात सुननी पड़ेगी। हमारी मन की बात यही है कि बस हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी पूरी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में 5 इंग्लिश टीचर के पद खाली पड़े हैं जिनमें पंचायत की ओर से 2 पद भरे हुए हैं लेकिन अब सैलरी नहीं मिलने से वो भी स्कूल छोड़ने को मजबूर है। बताया कि सरकार हमारे स्कूल में सभी खाली पड़ी पोस्टों को रेगुलर करे, हमारे अध्यापकों को सैलरी देने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि हमारा भविष्य बर्बाद न हो। वहीं सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र जाखड़ का कहना है कि उनके स्कूल में करीब 30 पद खाली पड़े हैं और उन्होंने बताया कि कालवाना में कुल 3 स्कूल हैं। तीनों स्कूलों में मिलाकर कहा जाए तो 30 से भी ज्यादा पद खाली हैं, जिनमें से 7 मुख्य पदों की भरपाई पंचायत द्वारा की जा चुकी है जो कि एक सराहनीय कदम है, जिनकी किसी कारणवश अब पंचायत फंड से सैलरी देने पर रोक लगी है जिस कारण अतिथि अध्यापक अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर है। ऐसे में छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर अड़चन आ सकती है। ऐसे में अब सभी 400 के लगभग लड़कियां अपने स्तर पर पीएम को पत्र लिख परमानेंट नियुक्ति की मांग की जा रही है। अब देखना ही होगा कि सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इस गांव की बेटियों की सुनवाई पर कैसे खड़ा कर पाती है। खैर ये तो वक्त बताएगा लेकिन बेटियों का प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखने का सिलसिला हर दिन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के हरियाणा। ये जिस तरह से पंचायत की तरफ से व्यवस्था है टीचर्स की यहाँ करी हुई, क्योंकि पोस्टें काफ़ी खाली पड़ी है, काफ़ी समय से खाली पड़ी है, तकरीबन 10 के करीब पोस्टें खाली पड़ी है, तो इस पर 2 टीचर्स पंचायत ने अपनी तरफ से अपने फंड से व्यवस्था करके भेज रखे हैं और अभी तक तो ठीक चल रहे हैं लेकिन
आगे से ये पंचायत की तरफ से और हमें सूचना है कि ये टीचर्स जो है वो विड्रॉ करे जाएंगे, कोई पेमेंट का इनका है हिसाब, तो इस वजह से बच्चों में भी थोड़ी आशंका है कि कहीं उनकी पढ़ाई जो है वो ख़राब ना हो। इस वजह से बच्चे प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर्स वगैरह लिख रहे हैं, वो अपने लेवल पर लिख रहे हैं, और मैं तो यही चाहूँगा कि अगर ये व्यवस्था रहे तो बच्चों की पढ़ाई बाद इतना हो। मैं लगभग 30 पोस्टें खाली हैं, और पंचायत ने अपनी तरफ से सारे स्कूलों में 7 टीचर्स की महत्वपूर्ण जो विषय है उन पे 7 टीचर की व्यवस्था कर रखी है। इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, यहाँ आरओई मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है जो कि पूरे ब्लॉक का स्कूल है, और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पूरे ब्लॉक से बच्चे आते हैं, 20 से ज़्यादा गाँव से बच्चे आ रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पंचायत अगर व्यवस्था नहीं करेगी तो बहुत दिक्कत आने वाली है बच्चों को। वो टीचर्स ये बता रहे हैं के एक साल से उनकी सैलरी जो है वो पेंडिंग है। उप तहसील गोरीवाला में तमाम सुविधाओं के अभाव में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उप तहसील परिसर में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, और तो और नायब तहसीलदार भी समय पर लोगों को मौजूद नहीं मिलते। कार्यालय लंबे समय के बावजूद भी सुविधाएं पूरे नहीं होने पर नाराज किसानों ने रोष जाहिर किया। उन्होंने बताया कि यहां नायब तहसीलदार की नियुक्ति तो होती है, मगर हर बार जल्दी ही ट्रांसफर होने से लोगों को हर बार खाली कुर्सी ही नसीब होती है। ग्रामीणों ने बताया कि वे सुबह से काम के लिए तहसील में आते हैं, मगर कोई भी कार्य नहीं होने से उन्हें शाम को नाराज होकर वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि कार्यालय में हर बार इंटरनेट की सुविधा स्लो रहने से कोई भी कार्य सिरे नहीं चढ़ पाता। उन्होंने कहा कि उप तहसील बनाए जाने से ग्रामीण बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर गांव स्थित भवन के चक्कर काटते हैं, लेकिन जब यहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अभी तक साहब नहीं आए या फिर नेट स्लो है। हर बार उनकी मांग की जाती है, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं उधर जब नायब तहसीलदार से बात करने चाहिए तो उन्होंने फोन पर कहा कि आज वे ग्रीवेंस की मीटिंग में व्यस्त हैं, बाद में बात करेंगे। अब देखना यह होगा कि आखिर कब किसानों को सभी सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी। के हरियाणा के लिए गोरीवाला से नरेश वर्मा की रिपोर्ट। तो तहसील के अंदर सातों मतलब पांचों दिन आने चाहिए तहसीलदार, और तहसीलदार मतलब 2 दिन ड्यूटी होती है, सोमवार और वीरवार, वो भी मतलब लेट पहुंच पाते हैं क्योंकि उनके पास भी एक्स्ट्रा काम बता रहे हैं, तो कई बार मीटिंग वाइटिंग में चले जाते हैं, तो इस कारण जनता भी परेशान हो रही है जी। हम लोग आते हैं तो यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। हरी सिंह नंबरदार, गांव को दिखा नंबरदार साहब, क्या क्या दिखती है यहाँ पर? जैसे पहले नायब तहसीलदार थे वो बहुत बढ़िया थे, और उनके जाने के बाद जो नए नायब साहब आए हैं ये कभी यहाँ पर मिलते भी नहीं हैं। जब भी यहाँ पे आते हैं कहते हैं कि ये मीटिंग में गए हुए हैं, और लगभग 2 या 2:30 बजे के आसपास आते हैं, कभी आते कभी आते भी नहीं हैं। अच्छा, और क्या क्या दिखते हैं किसानों को? यहाँ नेटवर्क इतना स्लो है, इसके बारे में हम DC से भी मिल चुके हैं, नंबरदार एसोसिएशन गई थी, उन्होंने हमारे से आज लगभग 3 महीने पहले किया था भी हम 10 दिनों के अंदर ये प्रॉब्लम हल कर देंगे, लेकिन आज तक तो ये हुई नहीं। और यहाँ जो इंतकाल चढ़ाए जाते हैं वो भी बहुत टाइम लेते हैं। मैंने 6/4 को यहाँ पे एक विरासत का इंतकाल दिया था, आज 19 तारीख हो गई, अभी तक किसी ने मेरा वो इंतकाल चढ़ाया नहीं। पटवारी जी से बात हुई, उन्होंने कहा भी मैंने रोज नामचे में तो चढ़ा दिया है, लेकिन आगे सुरेंद्र को दे रहा हूँ। सुरेंद्र से पूछा, उन्होंने कहा अभी तहसीलदार ने अभी तक रोक रखे इंतकाल पिछले 15 दिनों से, और मैंने कहा मैं तहसीलदार साहब से बात करूँगा, तो तहसीलदार साहब। मैं धीरज महारुद्र गोरीवाला से, मैं इस गांव का निवासी हूँ। हमारे गांव में आपको आप लोगों ने जैसे देखा है ये 40 गांवों का सेंटर पड़ता है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में हमेशा की तरह इस बार भी स्वामी विवेकानंद स्कूल केरवाला का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। स्कूल के कुल 82 बच्चों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, जिसमें से 33 बच्चों ने मेरिट में अपना स्थान हासिल किया है और शेष विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से अपनी कक्षा उत्तीर्ण की है। स्कूल की छात्रा तमन्या, पिंकी व वंदना ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल किया। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन रामजीलाल गोदारा व स्कूल के प्रिंसिपल रमेश झोरन ने बच्चों व अभिभावकों को बधाई दी व बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो दोस्तों, आज की डेली हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई हलचल के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार।